गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो सुबह के बज रहे हैं 7:45 और आज भी रेड अलर्ट है, बट अभी तो लगी हुई है धूप, लेकिन मौसम का ना यहाँ पे कोई भरोसा नहीं रहता कि कब बारिश पड़ जाए और कब फिर से ऐसे ही मौसम हो जाए। तो अभी तो बहुत मज़ेदार सी धूप लगी है, बहुत ही मज़ेदार सा मौसम हो रहा है और टुपा चेशी भी है आज। तो हमारा कोई फेस्टिवल टाइप का होता है तो उतना ज़्यादा हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते, पर घरों में भी पूजा पाठ ज़्यादा करके ना, तो आज इन्होंने संग जलाया यहाँ पे। जैसे आमा नहीं होते ना, फिर हम लोगों से जलता नहीं। आमा ने मना किया था कि तुमसे जलेगा नहीं, बरसात है आजकल, तो आज टुपा चेशी तो मैंने इनसे बोला जला दो यार, तो अच्छा लगेगा थोड़ा। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह का, तो कुछ नहीं, खूबसूरत सा धूप वाला मौसम। ओली फ्लैक्स अभी थोड़े से ना वो रखे, गीले होने से ना सूखे नहीं अभी ठीक से, एक धूप और एक हवा चलेगी तो सूख जाएंगे, तो लहरा जाएंगे फिर से। और लंगूरों के बच्चे पेड़ पे सुबह सुबह आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, सुबह सुबह से हल्ला गुल्ला शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे से दो बच्चे दिख रहे हैं मुझे सामने कैमरे में, दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ छोटे छोटे से बच्चे हैं, दो खेल रहे, इतने छोटे छोटे से, तू से हाथ के बराबर है, कैमरे में फिर भी बड़े दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज देखिए फील्ड में भी सुबह सुबह प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है फुटबॉल की, इतनी दिनों से बारिश हो रही थी ना, तो मुझे लग रहा लोग आ नहीं पा रहे होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आज फील्ड में बच्चे या लोग बाग जो भी है खेल रहे हैं। तो हमारे घर से फील्ड का नज़ारा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये हम बना रहे हैं चटनी, चटनी की रेसिपी पूछी थी मुझसे कल, तो चटनी बनाने के लिए मैंने जार में डाल दिया है, देखिए लाल मिर्च, ये लहसुन को धो दिया, टमाटर को धो दिया, और इसमें हम डालेंगे नमक, और अगर आपको धनिया डालना है, धनिया पत्ता, तो आप लास्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इतनी सरल सी रेसिपी है, तो बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो चलिए हम इसको ग्राइंड करते हैं सबको इसमें डालने के बाद, और फिर मिलते हैं आप लोगों से चटनी बनने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी लाल मिर्च की चटनी जो है बनके तैयार हो चुकी है। तो ये मैंने थोड़ी दरदरी पीसी, बिल्कुल एकदम पेस्ट सा बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी दरदरी सी अच्छी लगती है, स्वादिष्ट। अब आप धनिया डालना चाहो तो डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला, तो मेरी चटनी बिना धनिया की, धनिया बड़ा महंगा हो रहा है यार यहाँ पे नैनीताल में, 15 रुपये का एक छोटा इतू सा, 15 रुपये का था, इतू सा था वो। तो चलिए मैं नाश्ता बनाती हूँ फटाफट, टाइम हो चुका है काफ़ी, 8:20 हो गए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के समय बज रहे हैं 4:30 और मौसम आप देख सकते हैं सही बना हुआ है, मतलब धूप लगी रही दिन भर हल्की फुल्की सी, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है आज। सामने से ट्रॉली भी जा रही है, तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई आज सुबह, जो मेरा चटनी बना रही थी मैं, तो चटनी वटनी बना के फारिगी हुई थी, तो ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, जब ये फ़ोन पे बात कर रहे थे तो ये बड़े चौंक से गए, तो फिर मैंने एकदम से पूछा कि क्या हुआ, तब हमें पता चला हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे, खास दोस्त हमारे अपने जी, तो उनकी डेथ हो गई अचानक से, पता ही नहीं चला कैसे, मतलब एकदम शॉकिंग जो खबर थी ना वो थी आज सुबह सुबह का, मतलब बहुत ही बेकार सा वो था सुबह सुबह जो थी। तो उसके बाद फिर मन ही नहीं करा कि कुछ शूट करूं, तभी मैं इस साइड को आई थी जब करके इधर पानी डालने के लिए, तब फिर मैं इनका थोड़ा सा मौसम दिखा देती हूं। अब जो रूटीन के काम है वो तो होते ही रहेंगे, क्या करें अब। तो ये आज का मौसम, और चले मिलते हैं फिर कुछ देर में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो घर में टीवी चल पड़ा है, मतलब अम्मा जी आ चुके हैं, तो अम्मा ग्वालदम गए थे, ग्वालदम से पहुंच गए हैं, और ये अम्मा लाए हैं इतना सारा सामान ग्वालदम से, सारी चाय ही चाय, इतनी सारी चाय लाए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 7:45 बज चुके हैं और मैं लगी हूँ डिनर बनाने। डिनर के लिए ना मैंने आलू को पहले उबाल के रख दिया था, तो ये आलू मेरे उबाल के मैंने काट के भी रख दिया इनको, और ये है मसाला, इसमें ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च, थोड़े से मेथी के दाने, इन सबको हमने हल्का सा, मतलब हल्का सा गर्म करना है तवे पे, ताकि इसका जो मॉइस्चर निकल जाए, बस भूनना नहीं है इसको, मॉइस्चर इसका ज़रा सा निकाल के उसके बाद हम इसको जो है पीसेंगे, और उसके बाद ये मैंने मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे गर्म कर दिया, इसमें हम मसाले को भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट भी साथ में। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से आलू के गुटके या ड्राई आलू, कुछ मसाला आलू कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो चलिए जी मैं इस तरह से बनाती हूँ आलू, मुझे अच्छा लगता है ऐसे मसालेदार आलू बनाना। तो फ्रेंड्स ये हमारा मसाला, यमी यमी सा टमाटर, इसमें लहसुन और वो डाल देंगे, टमाटर और प्याज नहीं डालेगा, लहसुन के साथ आपको मसालेदार बहुत टेस्टी सा बनता है ये। तो जब भी आप आलू बनाते हैं इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं, जब आपको चटपटा सा खाने का मन करे,
तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं इसको। तो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, तो ये देखिए अब इसमें हमारा आलू जो है जाने को बिल्कुल तैयार है। अब हम डालते हैं आलू को और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारा आलू मसाला तैयार हो जाएगा। अब पता नहीं नमक ही ने ज़्यादा मार दिया हो बेधियानी में। तो फ्रेंड्स ये हमारे आलू गुटके तैयार हो चुके हैं। अब मैं बनाती हूँ चपातियाँ, तो फटाफट चपातियाँ सेकते हैं और कल का धुपा भी है रात का, तो वो भी है देखते हैं फिर मिला जुला के सब जो जो खाना रहेगा सब लोग खा लेंगे मुझे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आलू बनके तैयार हो गए गर्मा गर्म। देखो आलू मस्त, आलू खुशबू आ रही है, खा सकते हो आप। तो आलू खा रही हूँ साथ में और रोटियाँ पका रही हूँ। तो चलिए खाते हैं आलू और पकाते हैं चपातियाँ। और ये थुप्पा था ना मैंने बताया था जो कल का, बुबू को मैं गर्म कर रही हूँ। आम और बुबू के लिए थोड़ा थोड़ा थुप्पा भी हो जाएगा। तो चले जी चपातियाँ बनाते हैं और आज का ब्लॉग जो है इसको यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम। जैसा भी बना होगा पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बनाया आज। तो कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।